हेलो स्टूडेंट, आई एम बाबी सरोज और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी सिलेबस के बारे में कि क्लास ट्वेल्थ में आपको पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो इसमें टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना होता है, जबकि आप लोग अगर 11th की बात करें तो 11th में आपको ज़्यादा पढ़ना होता है और 12th में काफ़ी कम पढ़ना होता है, जो कि खास करके JEE बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पे जहाँ पे हम बता रहे हैं सिलेबस, इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका सिलेबस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट की बात करें, टोटल 5 यूनिट है। पहला जो यूनिट होता है गणित रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में हम फाइनली 4 चैप्टर पढ़ते हैं, इसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे और खास करके रिप्रोडक्शन जो होता है आपका 40 मार्क्स का यानी 14 नंबर का होता है। एंड यहाँ पे अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो होता है ये आपका 18 मार्क्स का होता है। एंड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इसकी बात करें तो ये आपका कितना मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का। देन आगे हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर होता है, यहाँ से केवल उनको 2 ही चैप्टर पढ़ना होता है, जो कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन करा होता है, 10 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन यूनिट नंबर लास्ट यूनिट है 5 यूनिट दैट द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसमें आपका टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है। अगर हम बात करें तो सभी यूनिट का वेटेज काफ़ी अच्छा है, अपने आप में सभी यूनिट काफ़ी अच्छे हैं, वेटेज भी अच्छा है, पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अदर देन 11th की सिलेबस की बात करें, अगर 11th के बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ब्रॉड में पढ़ना होता है, वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वन प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कंपटीशन के तौर पे देखें, स्टूडेंट हमेशा ध्यान देंगे, अगर आप कंपटीशन के तौर पे देखते हैं तो क्लास 11th आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी कंपटीशन जैसे नीट वगैरह के लिए तो आपका 11th बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इस वजह से 11th को भी साथ में आप लोग 12th करने के बाद डायरेक्टली 11th को पढ़ेंगे बढ़िया से। 11th में जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ से टोटल अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको 7 चैप्टर वहाँ पे पढ़ना होता है एक ही यूनिट में, और बात करें अगर प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में भी खास करके 6 चैप्टर वहाँ पे भी अराउंड पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार से वहाँ पे काफ़ी आपके बड़े बड़े यूनिट वहाँ पे होते हैं इसमें क्लास 11th में। अदर देन 12th में, 12th की बात करें तो इसमें आपके काफ़ी छोटे छोटे यूनिट आपको पढ़ना पड़ता है और काफ़ी पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और 12th अगर आप 11th में अच्छे से पढ़े रहते होते हैं तो क्या होता है कि 12th में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 11th की बायोलॉजी 12th के बेसिस पर है। अगर 11th आपका मजबूत रहेगा बायो तो आपको 12th में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, समझने में एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। जो कि हमने बताया पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना होता है रिप्रोडक्शन पढ़ना होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। देन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। देन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको टोटल 3-4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके टोटल 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। दैट इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी इन क्लास 12th, यानी क्लास 12th की काफ़ी छोटी यूनिट होती है कौन, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, जो कि कंपटीशन लेवल के लिए भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देन आगे बात करें तो जहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की, तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में आपको टोटल 3-4 चैप्टर अराउंड आपको पढ़ने होते हैं। दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो कि इसमें कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, टोटल 3-4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, इस सभी यूनिट को नोट करेंगे और उसके बाद एक रफ पेन निकाल के सभी यूनिट को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आपको आइडिया हो जाए कि क्लास 12th में हमको कहाँ से कितना पढ़ना है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, किस यूनिट से कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स का आने वाला है। जैसे अभी हमने बताया कि इस प्रकार से आपको 5 यूनिट पढ़ना होता है। स्टूडेंट अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, दैट इज द रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन अभी हमने बताया आते हैं।
जो कि आपका फर्स्ट यूनिट होता है, यहीं से हम क्या करते हैं, आज ही से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रफ पेन लेना है, निकालने के बाद सब जो भी पॉइंट बता रहे हैं सबको क्या करना है, नोट करते जाना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन यूनिट की, तो रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं स्टूडेंट्स, उसको नोट करेंगे। रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, अभी हमने बताया था। और यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है जानेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप करते हैं, दैट इज द 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, 40 मार्क्स के यानी 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप करा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन में हमको पढ़ना होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट खास करके ध्यान देंगे, इंग्लिश में घबराएंगे नहीं, आपको आगे चल जो भी पढ़ेंगे जो भी करेंगे आपको सभी इंग्लिश में मिलने वाला है। इंग्लिश हिंदी सब एक ही है, ऐसा नहीं है, आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप कोई भी हेडिंग को इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको काफ़ी एग्जाम के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और खास करके हम इसलिए आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं कि आगे चल करके आपको जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देंगे जो भी करेंगे, क्योंकि ट्वेल्थ बाद आप जो भी चीज करेंगे चाहे डिग्री कोर्सेज हो चाहे प्रिपरेशन हो किसी भी का, वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। इस वजह से अभी से आपका अगर हेडिंग थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ रहेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में पढ़े रहेंगे, तो आपको क्या होगा आगे चल करके परेशानी नहीं होगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे हिंदी में भी पढ़ाएंगे, हमेशा ध्यान देंगे इसी बात में। देन सेकंड चैप्टर जो कि हमने बताया, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ना होता है, देन सेकंड चैप्टर जो पढ़ना होता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना होता है, दैट इज द सेकेंड यूनिट। देन थर्ड यूनिट आपको थर्ड चैप्टर जो सॉरी चैप्टर के नेम है, यूनिट तो आपका है रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर की क्या है नेम है, कितने चैप्टर, 4 चैप्टर है। देन तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना होता है, तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन फोर्थ चैप्टर दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं इसमें क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट में रिप्रोडक्शन में। पहला यूनिट होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन सेकेंड यूनिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो भी हमारे जीवो में जनन, जो ये चैप्टर का नाम है हिंदी में नोट करेंगे जीवो में जनन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एकदम सिंपल सा मतलब है, आप लोग खुद ही मीनिंग निकाल सकते हैं। सेक्सुअल का मतलब लैंगिक, रिप्रोडक्शन का मतलब जनन, फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ना होता है। देन थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव, ह्यूमन का मीनिंग मानव, रिप्रोडक्शन जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। देन आगे आपको जो यानी कि फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ना होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या स्वास्थ्य है, किस प्रकार से हम वहाँ पे कंट्रासेप्टिव का यूज करेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे रिप्रोडक्शन के करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, यहाँ पे पूरा क्या करा जाएगा एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर में। अब हम बात करें यानी कि हमने डिस्कस करा कि ये टोटल आपके कितने, ये जो भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमेशा ध्यान देंगे, जो आपका रिप्रोडक्शन है ना, ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, इससे ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्लास इलेवंथ में हमेशा ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे, लास्ट में मानव कार्यकी जिसे बोलते हैं, ये मानव कार्यकी से रिलेटेड है, जो कि आपको इसमें टोटल कितना चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है 4 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, 4 चैप्टर, और 4 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द 40 मार्क्स के, यानी कि यहाँ से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी समझने में भी काफ़ी आसान चैप्टर होता है और ये बेसिक होता है एक प्रकार से बात करें, यानी कि हमने बात करी कि जो हमको 4 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर को लेके, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं टाइम कम है, क्या करेंगे आप लोग नोट करते चलेंगे, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है सब कुछ नोट करते चलेंगे, फेयर बनाएंगे
अब जो भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट करेंगे नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो अभी तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, तब तो अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट की, पहले चैप्टर की दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कि चैप्टर का सबसे यूनिट का सबसे फर्स्ट चैप्टर है और ये आपका बेसिक भी होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और खास करके स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। हमेशा यूपी बोर्ड में इस समय एनसीईआरटी बुक आ गई है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे क्योंकि जो भी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं सब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी को बाइबल गीता माना जाता है, हमेशा ध्यान देंगे, बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी। सभी कंटेंट आपको एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे और जो भी जो अच्छे अरिहंत का बुक लिए हैं, जो एमपी का जो भी लिए हैं, लेकिन सबसे बेटर बुक आपकी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उसको बारंबार पढ़ना पड़ता है, बारंबार रिवाइज, दैट इज अ मल्टीपल रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, तब जाके समझ में आता है एनसीईआरटी, ऐसे नहीं समझ में आता है। एनसीईआरटी लिए हैं तो उसको बार बार पढ़िए, अपने आप ही समझ में आएगा। बट एनसीईआरटी के साथ साथ कोई एक्सप्लेनेशन बुक रखिए, जैसे अगर आपके पास तौर पे मान लीजिए वो अरिहंत है तो अच्छी बात है, बोर्ड के लिए तो अरिहंत आपको चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। एनसीईआरटी विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, इसको बाइबल गीता माना जाता है, हमेशा जानेंगे क्योंकि जो भी तैयारी करते हैं नीट की ना, जो कि काफ़ी बायोलॉजी वाले के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट ना, जो कि आपका क्या होता है बहुत ही उसके तौर पर, यहाँ पे बी एस वालों का सिलेक्शन होता है इसी के तौर पर, इसके बारे में आपको कहेंगे तो बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपको बताया गया एनसीईआरटी का कंटेंट पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में लगता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला पेज खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिया है लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। और स्टूडेंट आप लोग पहले ही पेज को देख करके क्या हो जाते हैं, ऐसे पहला पेज होगा और उसमें जीवन अवधि इस प्रकार से लिखा होगा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में अलॉट नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन दिया रहेगा। आप लोग क्या करते हैं उस पेज को देखते ही घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि लाइफ स्पैन का इतना लंबा डेफिनेशन हमको पढ़ना है। आप लोग नहीं समझ पाते स्टूडेंट, वो जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी के वर्ड वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है। अगर हम कंपटीशन के तौर पे देखें तो एनसीईआरटी जो बुक्स है वो आपका वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन होता है। अब लाइफ स्पैन की बात करें तो वहां पे एक ही लाइन में बता दिया है लाइफ स्पैन होता क्या है, लाइफ स्पैन होता क्या है एनसीईआरटी में आपका एक ही लाइन में बता दिया गया है। वहां पे लाइन में हेडिंग छुपा रहेगा लेकिन आप लोग ढूंढ नहीं पाते, बारंबार उसको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करेंगे तब जाके आप क्या करेंगे एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर पाएंगे। कभी टाइम मिलेगा तो आपको सेशन बना देंगे कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होता है एनसीईआरटी आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन होता क्या है जिसको हम हिंदी में जीवन अवधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीवन अवधि, दैट इज द स्टेज विद बिटवीन, दैट द इसको हम कह सकते हैं टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, द टाइम पीरियड The time period between birth to natural death is known as life span। हमने बताया कि स्टूडेंट की टाइम पीरियड एक समय होता है, कहाँ से लेकर बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक। नेचुरल डेथ का मतलब प्राकृतिक मृत्यु, जो प्रकृति से हो ना, ना कि इसके डेथ से हो ना, जो प्रकृति में जिसकी उतनी अवधि है जब तक वो जिएगा तब तक की बात कर रहे हैं। इस नो नाइन से क्या कहा जाता है लाइफ स्पैन कहा जाता है, यानी कि सिंपल सा मीनिंग है कि लाइफ स्पैन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है एनी ऑर्गेनिज्म विच इज सर्वाइव ए मिनिमम डेज ए मिनिमम ईयर ए मिनिमम मंथ ए मिनिमम ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है, यानी कि जहाँ से जब से वो जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात
जहाँ तक उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो पूरा जो टाइम होता है, वो पूरा जो टाइम पीरियड होता है उनकी बर्थ से जब जन्म करेगा, जब जाके वो डेथ करेगा, जब जाके वो एक्सपायर करेगा, उस यानी कि बर्थ से लेकर कहाँ तक, ध्यान देंगे स्टूडेंट, बर्थ से लेकर कहाँ तक, डेथ तक, यानी जब मृत्यु करेगा उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं, यानी कि जीवन अवधि। एक बार फिर से समझेंगे, जीवन अवधि का मतलब होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। आप लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, खास करके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 8 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाइफ स्पैन क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। इस वजह से हमेशा आपको हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे और सिंपल वे में पढ़ाएंगे, काफी कम वर्ड में। आप लोगों को क्या करना है, एक रफ पेन लेके बैठना है, नोट करना है, इंग्लिश से घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको हम हिंदी में भी पढ़ा रहे हैं, हमेशा ध्यान देंगे इंग्लिश में पढ़ाने का आपको काफी बेनिफिट्स यहाँ पे होने वाला है। यानी कि हमने बताया कि लाइफ स्पैन का मतलब होता है दैट द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ, यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, यानी कि जिस समय से वो बर्थ करेगा और नेचुरल डेथ यानी प्राकृतिक जब तक वो मृत्यु होगा उसकी क्या होगी, लाइफ स्पैन होगी। अब आपको उदाहरण से एकदम बिल्कुल समझ में आने वाला है, जैसे बात करें इन ह्यूमन बींग्स, या तो ले ले जैसे बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का जीवन अवधि कितना होता है, 3 to 4 weeks। एंड राइस की बात करें तो राइस प्लांट, जो चावल का प्लांट जिसको हम राइस प्लांट बोलते हैं, धान ना, पैडी सीड्स, इसकी बात करें तो ये लगभग 3 to 4 months तक सर्वाइव करते हैं। स्टूडेंट आप एनसीईआरटी के जब ये तो पहला पेज हुआ, जब पहले पेज को पलटेंगे उस पेज पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, लिखा गया है वहाँ पे कि देर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म फॉर दी मेंशन, वहाँ पे डैश 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 करके दिया है कि वहाँ पे आपको फिलअप करना होता है कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन है, वहाँ पे आपको बताना है सभी ऑर्गेनिज्म का। जैसे वहाँ पे एलिफेंट दिया है, एलिफेंट के बाद वहाँ पे आपका बनियान ट्री, जैसे बनियान ट्री की बात करें तो उसका लगभग मैक्सिमम यानी कि 4000 ईयर्स उसका क्या होता है लाइफ, यानी कि स्पैन होता है किसका, बनियान ट्री का। एंड उसके बाद आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंगो ट्रीज ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एंड आपका ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स होता है लगभग 70 to 65 वगैरह, यहाँ से हम ले सकते हैं इसका ह्यूमन बींग्स का ना, यानी कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन किसका होता है, बनियान ट्री का, ना 400 ईयर्स ना। यहाँ पे हमने क्या बात करी एग्जाम्पल के तौर पे कि लाइफ स्पैन इससे रिलेटेड, यानी कि 3 से 4 महीने तक क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा कौन, बटरफ्लाई। एंड राइस की बात करें तो राइस में यानी कि 3 to 4 months क्या करेगा, राइस आपका सर्वाइव होगा। जो भी लाइफ स्पैन स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है आपको, आप उसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अगर जो लाइफ स्पैन आपको नहीं समझ आता है वो कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, आप कमेंट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करा, पहला टॉपिक लाइफ स्पैन को समझा, एक बार फिर से समझ लेंगे लाइफ स्पैन को, बार बार समझा रहे हैं कि लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि जीवन अवधि, जीवन अवधि का मतलब इसको जीवन अवधि बोलते हैं, यानी कि बर्थ टू नेचुरल डेथ, जब से वो बर्थ करता है, जब जन्म लेता है, यानी कि जब उसकी मृत्यु होती है वो पूरी अवस्था क्या कहलाती है ना, वो पूरा टाइम पीरियड क्या कहलाता है, आपका लाइफ स्पैन कहलाता है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और फॉर एग्जाम्पल में हमने बताया जैसे बटरफ्लाई यानी कि जो मक्खी होती है ना, तितलियाँ जो होती हैं लगभग 3 से 4 वीक्स तक, एंड राइस प्लांट्स होते हैं 3 to 4। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं कहाँ पे, एनसीईआरटी बुक्स में, जो कि आप लोग क्या करते हैं देखते ही घबरा जाते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे, कुछ लोग क्या करें उसमें ही कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा बुक्स लें, अभी कुछ लोग बुक्स भी नहीं लिए होंगे, इस वजह से बुक्स को लेके बढ़िया से रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, उसके बाद आपको लाइफ में कुछ करना है, लोग खुद ही जानते होंगे। अब इसके बाद हम बात करें, यानी कि हमने क्या समझा, लाइफ स्पैन समझा। अब लाइफ स्पैन के बाद हमारा चैप्टर का नेम ही है क्या, रिप्रोडक्शन, दैट इज द रिप्रोडक्शन यूनिट का नेम ही है रिप्रोडक्शन, खास करके अभी तक हम रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं समझे, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन होता क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा रफ पेन लेके बैठे रहेंगे और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट
इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, या एक जैविक प्रक्रिया है. इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट्स इज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम इटसेल्फ, प्रोड्यूस फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन. यानी कि सिंपल सा मतलब है कि अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना ही, या नए संतानों का उत्पन्न करना ही, नए संतानों को करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. उसको तीन नाम से जानते हैं, हमेशा ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे. प्रजनन, जनन, रिप्रोडक्शन. हिंदी में दो शब्द जनन है और क्या प्रजनन है, और इंग्लिश में दोनों का मीनिंग रिप्रोडक्शन. देख रहे हैं इंग्लिश कितना अच्छा है, एक ही मीनिंग होगा सबको लिखा डाला, रिप्रोडक्शन. That is defined as reproduction. It is defined as, लिखेंगे, it is defined as the organism reproduce offspring to itself. यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना ही, that is defined as organism produce itself. यानी कि स्वयं क्या करता है, offspring produce करता है. offspring यानी कि अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन यानी जनन प्रजनन उसको बोलते हैं. हमेशा ध्यान देंगे, रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन आपको दम लग रहना चाहिए, एकदम टिप्पे रहना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को बर्थ करता है. जैसे मानव है तो मानव का जन्म देता है, मानव जाति का जन्म देता है. जैसे डॉग्स है ना, कैट्स है, जैसे कुत्ता ना बिल्ली है, ये कुत्ता बिल्ली का जन्म देगी ना कि मानव का जन्म देगी. जैसे मानव है मानव ना कि अनदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जन्म देने लगे, कुत्ता का जन्म देने लगे. ये सब रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझेंगे. अपने समान यानी कि ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स के ही जाति का क्या करेगा, संतान को बर्थ करेगा ना. ह्यूमन बींग्स के जाति का ही क्या करेगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग बर्थ करेगा, संतान को जन्म देगा, ना कि अनदर ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कर दे बर्थ कर दे. आपको आई होप आपको रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन एकदम बकायदे से समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं, सिंपल है, अपने समान नए संतानों को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. आपको बार बार बता रहा है रिप्रोडक्शन, जैसे ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स का बर्थ करेगा. अब स्टूडेंट हमने समझा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. अब रिप्रोडक्शन की बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि प्रजनन व जनन के कितने प्रकार होते हैं. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ा जा रहा है आपको बार बार बता रहे हैं कि तो क्या करेंगे, एक फेयर बनाते चलेंगे, टाइप्स ऑफ रफ पेन लेके नोट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. इसका मतलब है कि प्रजनन के प्रकार व जनन के प्रकार, रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे लिखेंगे रिप्रोडक्शन, इट इज देयर आर, यहाँ पे लिखेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इट इज देयर आर मोस्टली थ्री टाइप्स. यानी कि प्रजनन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है. फर्स्ट नंबर एक, हिंदी में लिखेंगे प्रजनन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है. नंबर एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे हिंदी में अलैंगिक जनन. द सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में लिखेंगे लैंगिक जनन. देन थर्ड आपका जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको लिखेंगे कायिक जनन. क्या है कायिक जनन, सब
क्या करेंगे, लंच करके चलेंगे। यानी कि रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कायिक जनन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमेशा इंग्लिश को लर्न करेंगे, हिंदी भी लर्न करेंगे, इंग्लिश भी लर्न करेंगे। बायोलॉजी ही, बायोलॉजी का मीनिंग है इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जो एनसीईआरटी की बुक है, आपके एनसीईआरटी की बुक्स दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फर्स्ट आप हम हेडिंग बनाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दें, थोड़ा थोड़ा क्या होता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूस फ्रॉम इटसेल्फ न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने समान नए संतान का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है। कौन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की पॉइंट बता रहे थे, की पॉइंट नोट करते चलेंगे। इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने समान नए संतान का उत्पन्न कर देगा, नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है। यानी कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। इसमें देयर आर पार्टिसिपेट, दैट इज द टू ऑर्गेनिज्म, दैट इज द फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, जो कि मेल एंड फीमेल, तब जाके क्या बनता है ना, रिप्रोडक्शन होता है, जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो मारोलो भारोलो गैस्ट्रोला, ये सब चीज़ें होती हैं, तब जाके क्या होगा, उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इसमें दो पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट हो रहे हैं, यानी कि मेल फीमेल, इसमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट्स का, वो क्या करता है, अपने समान नए ना प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है, नए प्लांट्स का, नए ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस कर देता है। जैसे कोई प्लांट्स है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्लांट्स है ना, उसका जैसे जहाँ पे रूट की जो भी है कट के गिरा इतना पार्ट, यहीं से क्या होगा, ये नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी काई पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स है, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो कि वहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो आपका एक प्रकार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी, ये भी कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही तरह होता है। कौन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस डिवीजन होता है एंड एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन क्या होता है, अब्सेंट होता है। कहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, इन द केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मियोसिस डिवीजन विच इज अब्सेंट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मियोसिस डिवीजन अब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंस होगा, प्रेजेंस होता है रिप्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पे मेन डिफरेंस हमने जाना कि तीनों में थोड़ी बहुत कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्रीफली में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि ये वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो गई होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको पढ़ के आना है, और इसको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको अच्छे से डिफिनेशन करके डिफाइन करेंगे, बताएंगे। स्टूडेंट्स आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल आपके दिए रहेंगे, और ख़ास करके जो भी आपको पढ़ा चुके हैं वहाँ से हम कुछ क्वेश्चन दे दें, आपको क्वेश्चन का जवाब कहाँ पे करना है, कमेंट्स में करना है। यानी कि लिखेंगे अंडयुग्मी, अंडयुग्मी जिसको ओओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अंडयुग्मी रिप्रोडक्शन, अंडयुग्मी जनन पाया जाता है ना, अंडयुग्मी जनन पाया जाता है किसमें, वहाँ पे आपको मेंशन करना है, लिखना है। स्टूडेंट आप कमेंट्स में आंसर को लिखेंगे, एक भी क्वेश्चन देंगे, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ये सब क्वेश्चन का आंसर देंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।